हेलो गाइस, तो साईं सिल्क कला मंदिर का जो आईपीओ यहाँ पर ओपन अभी चल रहा है उसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप यहाँ देखेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर मार्केट क्रैश होते जा रहा है। यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में देखेंगे 0.51 गुना के आसपास है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में देखेंगे 0.16 और रिटेल कैटेगरी की बात करें 0.23। एम्प्लॉयज़ के अंदर बिल्कुल 0.0 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे दूसरे दिन का शाम देख लीजिए 3:30 बजे 4 बजे तक का सब्सक्रिप्शन आपको 21 सितंबर का दिखा रहा है, वहाँ पर 0.29 लगभग पूरा भी ये आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो कल लास्ट डे है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कल कर सकते हैं। तो इसका बिजनेस मॉडल जो ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि सिल्क साड़ी जो आती है उससे रिलेटेड कंपनी का कामकाज है, 2008 से कंपनी यहाँ पर कामकाज कर रही है। इसके फाइनेंशियल पर भी एक बार और नजर डाल लेते हैं, ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ फिर भी एक बार देखेंगे। 2021 के अंदर रेवेन्यू 677 करोड़ था जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 में 1351 करोड़ के आसपास हो गया। टोटल एसेट्स की बात करेंगे तो एसेट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट की बात करते हो तो अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का आईपीओ 2021 में सिर्फ 5 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में 60 करोड़ के आसपास पहुंच गया, 2023 में देखेंगे तो लगभग 98 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का आईपीओ है, लेकिन ग्रे मार्केट के अंदर इसकी बिल्कुल भी डिमांड नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर एक लोट के लिए अप्लाई करते हैं तो 67 शेयर्स का लोट है और इसकी जीएमपी लगभग सिर्फ 15 रुपये के आसपास चल रही है। अगर आप एक लोट के लिए अप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये के आसपास का लिस्टिंग गेंस आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेंस लेने के लिए कोई भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ये आईपीओ उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, तो फिर इस आईपीओ में आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स पर नजर डाल लेते हैं। आईपीओ ओपन कब हुआ? 20 तारीख को, 22 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 1201 करोड़ का फ्रेश इशू आईपीओ का साइज है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर फ्रेश इशू आप देखेंगे तो 600 करोड़ रुपये का, और दूसरा ऑफर फॉर सेल है। दोनों जगह लिस्ट होगा तो इसकी प्राइस की बात की जाए तो 210 रुपये 222 रुपये इसकी प्राइस रेंज रखी गई। अगर आप चाहते हैं आईपीओ में आप अप्लाई करें और आपको मिल जाए तो 220 रुपये वाला कट ऑफ प्राइस पर आपको अप्लाई करना। वहीं रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो 35% का रिटेल कोटा यहाँ पर दिया है इन्होंने। क्यूआईपी कोटा 50%, एनआई कोटा 15% के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप एक लोड के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो आपको 67 शेयर्स अलॉट होंगे, इसके लिए 14,874 रुपये आपको पे करने होंगे। मैक्सिमम लोट आप लेना चाहते हो 13 लोट ले सकते हैं, इसमें 871 शेयर्स मिलेंगे, 1,93,362 रुपये आपको पे करने होंगे। अगर आप HNI कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम 14 और मैक्सिमम 68 लोट ले सकते हैं, इसकी शेयर्स की संख्या और प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। एंकर इन्वेस्टर की अलॉटमेंट 18 सितंबर को हो गई है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ ओपन हुआ 20 तारीख को, 22 को क्लोज होगा, जिसका बेसिस अलॉटमेंट जो 27 तारीख को आने वाला है। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता तो जो भी आपका रिफंड है 29 तारीख को आ जाएगा, और अगर ये आईपीओ आपको मिल जाता है तो क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट इसके शेयर्स 3 अक्टूबर को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग देखेंगे 4 अक्टूबर को आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। तो एक अच्छा आईपीओ और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का आईपीओ, लेकिन जिस तरीके से शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है और ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड बिल्कुल ना के बराबर है, सिर्फ 6-7% के आसपास के लिस्टिंग गेंस आपको मिलते हुए दिख रहे, तो क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहेंगे या फिर इसे अवॉइड करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना फ्रेंड्स।